All right, my name is Amarjot Singh. I'm talking to you from Canada. Ashish Nama? Ji, sir. Ashish, bataye kya school shiksha ke baare mein kya sawal the koi uske baad? First of all, to sir, mere ko ye puchna hai ki sir, spouse visa mein normally itna time kyun lagta hai sir? Kyunki bahut baar maine refusal face kiya aur sir har tarah se negative hi मतलब नेगेटिव ही मिला मेरे को रिव्यूज़ तक. और स्पाउस वीज़ा में आपने पूछा कि टाइम क्यों लगता है? टाइम तो इसलिए लगता है क्योंकि आजकल पिछले एक दो साल से इंडिया में काफ़ी स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशंस आ रही हैं और फ्रॉड वीज़ा भी काफ़ी निकलते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम लगता है, फिर इंटरव्यू को स्केड्यूल करने में टाइम लगता है, फिर उसकी असेसमेंट करने में टाइम लगता है, इसलिए स्पाउस वीज़ा में टाइम लगता है. पहले ये दो हफ्ते में तीन हफ्ते में हो जाता था, अब इसको डेढ़ महीना दो महीने और कई कई बार इससे भी ज़्यादा लगता है. तो रीजनेबली है कि टाइम लगना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी होती है. और सर नॉर्मली मैंने फर्स्ट टाइम जो फाइल किया था उसमें मैंने टोटली डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करके डाले थे, जो भी मेरे हिसाब से मैंने कंसल्टेंट से बात की थी लास्ट टाइम उस हिसाब से डाले, जो भी मेरे लास्ट टाइम कंसल्टेंट था जो भी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका रिफ्यूज़ल किस कारण से हुआ है, कि आपका फ़ंड का इशू, कैप्स फाइल भी मैंने वहाँ से कैप्स फाइल भी आया, उसमें भी यही चीज़ फंड के प्रॉब्लम है. सेकंड टाइम मैंने सर फाइल किया तो ये सेक्शन 205C का प्रॉब्लम आया. ओके okay. मतलब इसको हम अलग अलग से दो दो भाग में डिवाइड करके बात करते हैं इसको, ठीक है? जी सर. 205C2 अलग है, फंड्स की प्रॉब्लम अलग है, इसको अलग अलग तरीके से हम देखेंगे. 205C2 का मतलब इतना होता है कि आपकी जो जेन्युइननेस है, जो मैरिज रिलेशनशिप है, उस पर शक है हमें. और जिस प्रोविजन से 205C है, क्या एक रेगुलेशन है 205 क्लॉज में, उसमें सी का टू पार्ट है, जो वो है कि आपको बगैर LMIA के वर्क परमिट दिया जाए. वो क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए क्योंकि एक पब्लिक पॉलिसी है कि स्टूडेंट के स्पाउस को यहाँ पर रहने का हक है, ये पॉलिसी है उसका. तो जब हम वीज़ा ऑफिसर कहते हैं कि C2 में आपको हम नहीं दे सकते, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमें लगता नहीं कि आपकी जो स्पाउसर का जो एक रिलेशनशिप है एस्टैब्लिश हो गया. थोड़ा समझने की कोशिश करें, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है, आपके पास सारे प्रूफ भी हैं, शादी के फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ और भी हैं, लेकिन एज अ वीज़ा ऑफिसर मेरे को शक है कि आपने जो शादी करी है वो कैनेडा जाने के लिए, उसके मकसद से आपने कुछ ये चक्कर लगाया है, ये हमारे मन में शक है. और कई बार इसके लिए वो पहले ही मना कर देते हैं, या कई बार वो आपको कहते हैं कि आप वीज़ा इंटरव्यू दो और आके फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे, तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन करेंगे. तो वो तो है 205C2. दूसरा जो आपने कहा फंड्स की सिचुएशन है, फंड्स की सिचुएशन को भी कई बार मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ. फंड्स में ऐसा होता है कि वाइफ आपको बुला रही है और आपका बच्चा भी है, तो तीनों लोग रहेंगे कैसे? ना वाइफ के पास इतनी इनकम है, ना उसके पास इतना पैसा है, तो वो आपको कैसे सपोर्ट करेगी, बच्चे को कैसे सपोर्ट करेगी? इसके लिए हमें फंड्स चाहिए पड़ते हैं. तो फंड्स अगर आपके पास नहीं है तो उनको एक बहाना मिल जाता है कि आपको वीज़ा हम नहीं दे सकते. तो सर मेरा जो फर्स्ट टाइम मेरा जो फाइल मैंने लगाया था उसमें सर मेरा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बताया. हाँ, जो आपने कैप्स फाइल देखा होगा. हाँ, उसमें सर रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं आया. तो सेकंड टाइम में ऐसा कि सर इशू आया? बस बात यह है कि वीज़ा ऑफिसर वहाँ पर 15-20 ऑफिसर काम करते हैं, तो कई बार एक इंसान जो है एक किसको दिखता है, वो कहता है किसको प्रॉब्लम है, वहीं पर रुक देता, आगे वो दिखता नहीं. जी, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो जब इस बार अप्लाई किया किसी के पास, क्या उसने दिखा कि पहली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब किसी भी कलाई तो उसके आप वो प्रॉब्लम्स जितने भी जो एक एक करके बारी बारी उनके जो रेगुलेशन हैं वो बारी बारी जिस पर उनकी नज़र आ जाती है वहीं पर रुक जाते हैं, आगे दिखता नहीं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बात में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, उस पर पैसे पर उन तक वो जाने की कोई ज़रूरत नौबत नहीं आई, ये बात. तो सर ऐसा भी क्या फाइल स्ट्रॉन्ग करने में करना है, क्योंकि मैंने फंड भी शो किया अप्रॉक्स जो इनको फंड शो करना है, मैंने वाइफ के अकाउंट में $8,000 फंड शो किए, मैंने अपने अकाउंट में 15 लाख समथिंग इंडियन करेंसी 15 लाख मैंने शो किया, प्लस मैंने अपना प्रॉपर्टी शो किया और मेरे फादर के जो उनका बैंक बैलेंस था. इन सब से कुछ नहीं होने वाला भाई आशीष जी.
ये सब आपको मैं कई बार मेरे पे लोग हंसते हैं इस बार के मैं ऐसे कह देता हूँ, लेकिन मैं कैटेगरी कह देता हूँ इन सब से कुछ नहीं होने वाला। आपके आपके पास अगर इंडिया में चाहे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, नीरव मोदी की प्रॉपर्टी है, विजय मलाई की प्रॉपर्टी है, उससे भी आपको कनाडा वीज़ा का मिलने का कोई गारंटी नहीं है। प्रॉपर्टी होना या कुछ और कुछ है फादर का दिखाना, उससे कुछ नहीं होता। जो सबसे जो तसल्ली बख्श और रिलायबल डॉक्यूमेंट वो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। उसमें कितना पैसा आपने शो किया? सर इनकम टैक्स रिटर्न में मेरा 850,000 समथिंग है। 850,000 ये इस साल का था कि कितने साल का है? 2018 का। उससे पहले कितना था? उससे पहले था सर मेरा अराउंड 8,13,000, मतलब सिमिलर था दोनों में। जॉब क्या करते हो आप? मेरा बिजनेस था सर, मेरा तो बिजनेस मेरा रिसेंटली क्लोज हुआ। हाँ, ये एक और नई प्रॉब्लम आ गई। एक तो बिजनेस की जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो रिलायबिलिटी उसकी थोड़ी सी प्रूवन नहीं होती कि बिजनेस में कोई कितनी इनकम शो कर रहा है, क्या है। थोड़ा सा आई नो इट इज अनफेयर टू से कि होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। एज कम्पेयर टू कोई अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी के उसके इनकम स्लिप्स होते हैं, तो वो ज़्यादा एक ईजी होता है कि वेरीफाई करना। दूसरा, जो आपने कहा कि बिजनेस क्लोज कर दिया, ये कब क्लोज किया? सर मैंने ये जैन में क्लोज कर दिया था, 2019। जो अभी आपका रिफ्यूजल कब आया? फर्स्ट मेरा मार्च 28 मार्च को आया था, सेकंड मेरा रिसेंटली अभी आया 10 जून को। तो तब तक तो आपका बिजनेस बंद हो चुका होगा भाई? जी सर, बिजनेस मेरा बंद, मैंने सर जस्ट आईटीआर शो किया बिजनेस में मैंने। अच्छा, नहीं, यहां भी एक और लोचा है कि बिजनेस बंद हो गया, शायद उन्हें कुछ लिखना दिया हो, इससे भी प्रॉब्लम है कि वो कि उनको तसल्ली नहीं हुई कि आगे जाके क्या करोगे आप। इससे बेटर अगर मैं आपको एडवाइस करता, अगर आप 6 महीने पहले अगर मेरे साथ, मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ भाई। जी, मैं तो बहुत तेज मेरी आवाज़ जा रही है। मैं आपसे ये बोला था कि इससे बेटर है कि आप अपने जितने भी पैसे थे ना, वो आपको अपने वाइफ के अकाउंट में अगर ट्रांसफर कर देते वो ज़्यादा। सर वाइफ अकाउंट है लाइक मतलब कनाडा में उनके अकाउंट में या कनाडा में? ओके। अगर आपने मतलब कि आप सोचे ना कि 8 लाख, अगर आपने सोचा कि 15-16 हजार डॉलर अगर आप शो कर देते होते तो आपका वीजा भी रिफ्यूज नहीं होना था। ओके सर, वाइफ के अकाउंट में 15,000 डॉलर अगर शो करता तो बस फिर वीजा रिफ्यूज होना नहीं था। ओके। और सर मेरी एक क्वेरी और थी। बोलो मैं सुन लो मैं। जी हां बोलो। गारंटी दुनिया में किस चीज की है यार, बताओ। दुनिया में गारंटी है कि अगले 5 साल बाद भाजपा सरकार में नहीं आएगी। गारंटी है कि अभी जो गुजरात में जो चक्रवाती तूफान आ रहा है वो तूफान थम जाएगा। गारंटी किस चीज की है? आप लोग वीजा एप्लीकेशन, वीजा आउटकम की गारंटी मांग रहे हो, बड़ी हैरानी होती है यार। वीजा का जो प्रोसेस है वो आप प्रोसेस और उसका जो आउटकम है वो सब वीजा ऑफिसर्स डिसाइड कर देंगे। हाँ, आपका काम है कि डॉक्यूमेंटेशन को लगाना। पीछे फोन आ रहा था, वो कट गया, तो आप घबराना मत, पीछे काट देता हूँ उसको, ठीक है? जी। हाँ, तो गारंटी किसी चीज की नहीं भाई साहब। ये जो इंडिया में अगर लोग कहते हैं कि जी इतने पैसे दो और मेरे को वीजा ले लो, वो सब दुकानदारी का काम कर रहे हैं। वीजा किसी कंट्रोल में नहीं है। बड़े बड़े नामी ग्रामी जो इमिग्रेशन वकील जिनका कनाडा में बड़ा बड़ा ऑफिस है, वो भी गारंटी नहीं कर सकते कि वीजा वो ले ला देंगे आपको। हमारा काम वीजा जो वीजा एप्लीकेशन को पूरा सही तरीके से अपने एक्सपीरियंस से पीछे वो काट दिया मैंने फोन अपने पेश कर सकते हैं। वीजा सब मिलना कोई सही नहीं कर सकता इन बिटवीन।
और सर एक क्वेरी और थी मेरी, जैसे सपोज हमारे लोन वगैरह चालू हैं बैकग्राउंड में सपोज, तो वो क्या दिक्कत करते हैं इससे? बिल्कुल दिक्कत करेंगे, अगर आपने पैसे शो करे और साथ में आपका लोन भी है तो वो लोन तो माइनस हो जाएगा ना जी। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब लोन क्लोज करें तो क्या करें सर इसको? लोन चुकता करें, लोन को हटाएं। अल्टीमेटली वीजा ऑफिसर को चाहिए कि पैसा दिखना चाहिए कि पैसा लेकर आप जाओगे, खर्चा कौन करेगा, आप लोग तीन लोग रहोगे, हस्बैंड वाइफ और छोटा बच्चा भी है, तीनों लोग कैसे रहेंगे, तो उनके लिए पैसा तो होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम वीजा दे नहीं सकते आपको, बहुत सिंपल सी बात है। तो मुझे सर लोन वगैरह सब क्लोज करने पड़ेंगे अगर मेरे? बिल्कुल क्लोज करने पड़ेंगे, हम तो आपके नेट एसेट्स नेट फाइनेंसेस देख रहे हैं, आपका लोन थोड़ी देख रहे हैं। अगर आपके पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 10 लाख रुपए कैश है और 20 लाख का आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो भाई आपका नेट पर तो फिर वो प्लस थोड़ी होगा, फिर तो माइनस ही होगा जी सर, वो माइनस में जाएगा फिर। हाँ। तो सर इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं अगर लोन क्लोज करने जाएंगे तो सर? मैंने आपको पहले बताया ना, कि आपके तीन मेंबर हैं आप, मैं बताऊं 14,000 + 4,000 समझे तो करीब करीब 16,000 से 17,000 डॉलर आपके अकाउंट कनाडा के वाइफ के अकाउंट में डाल दो, वीजा लग जाएगा आपको। ओके सर, मतलब ये मुझे साइड में कुछ क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सॉरी, आप इतना इतना पैसा ट्रांसफर कर दो अपने वाइफ के अकाउंट में और उसको एक महीना रुक जाओ, उसकी अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलने दो उसको वहाँ की कनाडा की, और एक महीने बाद आप दोबारा अप्लाई कर लेना, वीजा लग जाएगा। आप अगर आपको अपने आप करना है अपने आप कर दो, अगर आपको आप चाहते हो मैं कर दूँ, मैं भी कर सकता हूँ आपके लिए, आपकी मर्जी। बिल्कुल सर, मैं तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं है कैसे करते, तो मैं बिल्कुल हेल्प लेना चाहूंगा आपकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये विक्स फॉर्मूला 44, बच्चे थे पहले हमारे माँ बाप हमें पिलाते थे खांसी होते विक्स फॉर्मूला 44 लो ठीक हो जाएगा, ये विक्स फॉर्मूला 44 है वीजा एप्लीकेशन का जी। जो आपके केस में, हर एक केस में नहीं, ऐसा ना समझे कि कोई लोग समझे कि हाँ भाई इतने पैसे सबके लग जाएंगे, ऐसे नहीं, आपके केस में ये फॉर्मूला है। तो सर जो नॉर्मली आपने जो मेरी फाइल रीड की होगी उसके हिसाब से मेरा रिलेशन में दिक्कत आ रही है या फाइनेंस में? नहीं, रिलेशनशिप ठीक है आपका, रिलेशनशिप का वो चीज खत्म हो गई, वो देख लिया रिलेशनशिप का, जो आपका जो लेटेस्ट जो रिफ्यूजल है उसमें से पैसे का चक्कर है, बाकी और रिलेशनशिप का चक्कर नहीं है, तो ये थोड़ी अच्छी पॉजिटिव बात। ओके सर, तो मेन फाइनेंस की प्रॉब्लम है। तो मुझे फंड अपने वाइफ के अकाउंट में शो करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी से आज से अपना थोड़ा ट्रांसफर करने की कोशिश करो, देखो कैसे उनके पैसे आते हैं और काम आपका हो जाएगा, आप चिंता ना करें। विद इन होपफुली अगर 2 महीने भी प्रोसेसिंग टाइम है, आप दिवाली दशहरे से पहले आप कनाडा में दिखाई पड़ोगे जी। जी, और कोई सवाल मेरे से कोई? सर और तो आप थोड़ा और गाइडेंस मुझे दें बिकॉज मैं एक्चुअली थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बिकॉज मैं कभी इधर जा रहा हूं कभी उधर जा रहा हूं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बात कर रहे हो, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप सलाह मान लोगे काम आपका हो जाएगा। मेरे को तो आश्चर्य ये है कि जब आपने फाइल लगवाई थी पहली बार जब लगवाई थी तो उस लॉयर ने उस कंसल्टेंट ने आपको ये सब क्यों नहीं बताया? नहीं सर, उन्होंने जस्ट मुझे बोला कि आप इतना कैश कर दो आपका काम हो जाएगा, और मुझे ये बोला कि डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे सारे डॉक्यूमेंट दे दो, और मुझे ये भी नहीं पता मेरी फाइल कब लगी है सर। तो ये सब इतना, तो ये सब जब आपका रिफ्यूजल आ गए, दो रिफ्यूजल आ गए, तो उनका जगह बताया नहीं कि भाई आपने जो कहा था वैसे किया था, अब नहीं आया, आप बताए आपका कोई जवाब है आपके पास? मैंने उनसे वही पूछा, मैं क्या सर ये जो सेक्शन 205C लगा है इसका मुझे मीनिंग बताइए क्या है। बोला वो वीजा देना नहीं, आपको वीजा देना नहीं चाहते, आप अपनी वाइफ को यहाँ बुला लीजिए। मैं कहा सर ये क्या बोल रहे हो सर आप मुझे? अबे यार देना नहीं चाहते तो मैं जब तुम हम बैठे देना नहीं चाहते तुम लेकर आओगे, वो नहीं देना नहीं चाहते जी जी जी। और उल्टा मुझे नेगेटिव किया सर कि आपने 2 बार ट्राई किया तो आप छोड़ दीजिए। मैं कहा सर मैं एफर्ट करता रहूंगा, मैं एफर्ट कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं 2 बार नहीं 3 बार नहीं मैं 4 बार करूंगा, मैंने अगर डिसीजन लिया है लाइफ में।
आप उनको मेरे कुछ वीडियोस दिखाना, मेरे पास केसेस हैं, मेरे पास वही आदमी आता है जिसका रिफ्यूजल हुआ, अदरवाइज मेरे पास फ्रेश आदमी आता ही नहीं है, मैं लेता भी नहीं हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जिनके चार बार रिफ्यूज हुए हैं, चार बार रिफ्यूज हुए हैं, फिर जाके पांचवी बार फिर वीजा लगा हुआ है। तो अगर उस पॉलिसी से देखेंगे, अगर उस हिसाब देखेंगे, तो वो आपसे कह रहे हैं कि छोड़ दो, वाइफ को वैनकूवर से बुला लो, गुजरात में बुला लो, वहां बुला लो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। तो ये तो हुआ कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो। अरे ऑपरेशन आपका नहीं हो सकता, आप घर जाओ, आप मरने को तैयार हो, आप छोड़ो, क्या करेंगे ऑपरेशन। सर वही चीज से तो मैं नेगेटिव हो गया सर, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बिकॉज मैं किस कहां जाऊं। मैंने आपका फिर यूट्यूब पे वीडियो देखा, बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके देखे हैं, और थोड़ा मैं इंस्पायर हुआ कि मेरे पास वैंकूवर में, जहां आपकी वाइफ रहती है वैंकूवर में, कम से कम मैं 4-5 के नंबर अभी दे सकता हूँ आपको। आप उसको कहना कि उनसे जाके मिले, उनसे पूछे कि आपके वीजे कैसे लगे हैं और वो कहाँ पर रह रहे हैं, वैंकूवर में सरी में रह रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी बार रिफ्यूजल होने के बाद उनके लगे हुए। एक मेरा क्लाइंट है जो कल आया है, उसका एक बार रिफ्यूज था एक्चुअली, तो वो कल ही पहुंचा हुआ है वैंकूवर। उसकी भी मैंने शायद मैं डालूंगा उसका यूट्यूब पे, उसकी फोटो मैंने डाली नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो सर मुझे क्या प्रोसीजर स्टार्ट करना होगा स्टार्टिंग से लेके अब तक? सर प्रोसीजर मैंने आपको सिर्फ बताया ना कि आप अपने वाइफ के अकाउंट में $16,000 डाल दो, जिस दिन डल जाएगा उस दिन मेरे को कॉल कर देना, आपकी फाइल में पुट अप कर दूं। जी तो सर ये मतलब उनको स्टेटमेंट दिखाने की कोई जरूरत मेरी तरफ से कुछ नहीं शो करना होगा फंड में? आपकी तरफ से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ ऑलरेडी है उतना है, इसके अलावा मेरे को और एडिशनल कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप अपने वाइफ के अकाउंट में उतने पैसे डाल दो, जिस दिन पैसे डल जाए मेरे को फोन करना, आप ठीक लगा दूंगा मैं। और आप देखना कि आप अभी जून चल रहा है ना, अगस्त में फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं। सर यहाँ पे बहुत गर्मी है, आपको पता लग रहा है यार गर्मी काफी। हम तो भाई साहब हम तो गर्मी के लिए तरस रहे, हम सोच रहे हमें कोई पसीना है, हमें तो बस कितना महीने हो गए पसीना नहीं आ रहा। पसीना एक्चुअली कनाडा में आता नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि इंडिया वाले कितने खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं, आपका पसीना आ रहा है, आपका शरीर खुल रहा है, हमें तो पसीना नहीं आ रहा है। और सर यहाँ पे एसी भी बंद है। अच्छा की बात है, जिसको कुछ मिलता नहीं वो इंडिया में, जिसको पसीना आ रहा वो सोच रहे हैं हम पसीने से निकल के कनाडा आए, कनाडा में जिसको पसीना नहीं आ रहा वो सोच रहा है हमें पसीना आया है। तो हमेशा एक दूसरे की तरफ हम देखते हैं। और कुछ क्वेरी सवाल बोलने चली बोल। जी सर एक क्वेरी ये थी कि मेरी अगर सपोज मैं अभी जून में अगर सपोज मैं फंड यहाँ से ट्रांसफर करता हूँ, सपोज मैं 1 वीक या 10 डेज में ट्रांसफर करता हूँ, उसके बाद कब तक मुझे वीजा फाइल करना चाहिए? विद इन एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर फाइल कर देना चाहिए। ओके और सर और कुछ करने की जरूरत नहीं, ओनली सर जस्ट फॉर फंड मुझे करना है। दैट्स राइट, कुछ करने की जरूरत नहीं। जी और सर और मेरा पॉइंट था सर कि बोले सुन रहा मैं। जी और सर मुझे कुछ एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है सपोज मैं मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके और सर मेरे जो लोन वगैरह चल रहे हैं उसको कुछ करने की छेड़ने की जरूरत नहीं, वो चल रहे हैं तो चलने दो, चलने रहने दो, अगर आप नहीं उसको चुकता करते चलते रहने दो, दैट्स ओके, आई डोंट केयर। ओके ओके बस सर मेरा यही मेन था पूछने का। कोई बात नहीं, आपका काम जरूर होगा, आप डिप्रेस ना हो, थोड़ा आराम से अब जरा घर जाके सो जाके एसी चला के। जी ठीक है। जी और कोई सवाल नहीं है तो फिर चलो हम चलते फिर लेटर। जी आप
जी थैंक यू थैंक यू।